नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिसिन के एक नए टॉपिक मेनिंजाइटिस के बारे में। आज हम मेनिंजाइटिस की बेसिक जानकारी ले लेते हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस में जो मेनिंग जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है मेनिंजेस से। मेनिंजेस क्या होती हैं? जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके अराउंड तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। और इसका जो नेक्स्ट वर्ड है आइटिस, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो सीधी सी बात करें तो ये हो गया जो मेनिंजेज है उनका इन्फ्लामेशन। अब इस लाइन डायग्राम में हमने जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उनको दिखाने का ट्राई किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर ड्यूरामेटर, देन एरेक्नॉइड एंड देन लास्ट जो इनर मोस्ट इसकी लेयर है ब्रेन की वो है पियामेटर। देख सकते हैं कि जो एरेक्नॉइड एंड पियामेटर है उसके बीच सब एरेक्नॉइड स्पेस है जिसमें कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा रहता है। अब हम जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड है उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड है उसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसका जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 60 से 150 mm ऑफ CSF होता है। इसमें जो प्रोटीन है वो 20 to 40 mg% मिलता है। शुगर जो है वो आप मेंशन कर लीजिएगा 40 to 70 mg, जो कि जो रेंडम ब्लड शुगर होता है उसका 2/3 है। इसमें जो सेल्स मिलती हैं वो 0 to 5 सेल्स मिल सकती है, उसमें मोस्टली लिम्फोसाइट मिलेंगी। इसके आगे हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लैप्टोमेनिंजेस। लैप्टोमेनिंजेस पिछले इमेज में हमने देखा था, ब्रेन की जो तीन लेयर हैं सबसे बाहर की ओर ड्यूरामेटर, देन एरेक्नॉइड एंड देन पियामेटर। तो जो एरेक्नॉइड एंड पियामेटर है उसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? लेप्टोमेनिंजेस। तो मेनिंजाइटिस क्या है? लेप्टोमेनिंजेस जो है उसका इन्फ्लामेशन है। देन बात करते हैं कि एनसेफेलाइटिस क्या होता है। एनसेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फ्लामेशन जो है उसको हम जो टर्म यूज़ में लेते हैं उसके लिए वो होगा एनसेफेलाइटिस। तो यहाँ आप मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस के बीच जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। यदि किसी पर्सन में मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस दोनों कंडीशन के साथ कोई पर्सन प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में हम क्या नाम दे देंगे? मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो मेनिंजाइटिस का क्लासिफिकेशन, उसमें हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसमें है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नीज़ेरिया मेनिंजाइटिटिस, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। इसके अलावा जो है वो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटेरोबैक्टेरियोसी फैमिली, जिसमें इकोलाई, प्रोटियस, साल्मोलेना ये सब आ जाते हैं। इतना भी नहीं याद रहे तो आप सिर्फ तीन नाम याद रखते हैं जो याद रख सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली इसके जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, निजेरिया मेनिंजाइटिडिस एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। इसके आगे चलिए हम बात करते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, जिसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट इसमें जो कैटेगरी आती है वो है वायरल मेनिंजाइटिस की, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली कॉजेटिव वायरसेस हैं वो है एंटेरोवायरस, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली जो करता है वो है कॉक्सकी वायरस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हर्पीस सिंप्लेक्स 2 वायरस, HIV वायरस, और इसके अलावा जो बच गए वो आरबो वायरस एंड मम्स वायरस। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है स्पायरोकीटल, जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम डिजीज, सिफिलिस,
इन सब में भी मेनिनजाइटिस की कंडीशन हम देख सकते हैं। और जो टाइफस फीवर है उसमें रिकेसियल मेनिनजाइटिस की कंडीशन देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोअल मेनिनजाइटिस एंड जो फंगल मेनिनजाइटिस है उसका जो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है क्रिप्टोकोकोसिस। और इसमें जो ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि जो फंगल मेनिनजाइटिस है वो मोस्टली क्रॉनिक, उससे कि मोस्टली क्रॉनिक मेनिनजाइटिस होता है। नेक्स्ट, जैसे कुछ मैलिग्नेंट डिजीज में भी मेनिनजाइटिस देख सकते हैं, उस कंडीशन को हम क्या नाम दे देंगे, ल्यूकेमिक मेनिनजाइटिस। इसके अलावा इसका जो कोज है वो सब एरेक्नोइड हेमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अदर नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी होते हैं, जिसमें ये जो दो इम्पॉर्टेंट है, वेस्कुलाइटिस और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। तो वेस्कुलाइटिस, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वेसल्स का इन्फ्लामेशन होगा, तो इसमें पहला आता है प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेस्कुलाइटिस। एंड दूसरे इसमें जो है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में जो वेस्कुलाइटिस है उनमें चर्ग स्ट्रॉ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जो पर्सन है वो अस्थमा एंड एलर्जी की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करता है। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है। इसके अलावा वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, इसमें भी हम मेनिनजाइटिस हमें देखने को मिल सकता है। तो वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस में होता क्या है कि इसमें जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी में उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, मेनली जो सप्लाई करती हैं लंग्स, किडनी एंड जो नेजल पैसेज है उसको। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हैं उसमें है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिडेमेटोसिस, जिसे हम ऐसा ली कह सकते हैं। दूसरा इसमें जो है वो है रूमेटोइड अर्थराइटिस। ये सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा था वो थोड़ा बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।